16 साल की उम्र में कृष्ण ने राधे को आखिरी बार देखा, उसके बाद कभी नहीं देखा। 16 की उम्र में वो जाते समय बोले, ये बांसुरी मैं तुम्हारे लिए बजाता था, अब मैं जा रहा हूं और वापस नहीं आऊंगा, तो एक भेंट के रूप में तुम जो प्रेम से इतनी सराबोर हो, मैं ये बांसुरी तुम्हें दे रहा हूं और मैं फिर कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। और उन्होंने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। उसके बाद से राधा ने बांसुरी बजाई, 16 के बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। 16 से 21 तक वे ब्रह्मचारी बनकर रहे, उन्होंने संन्यास लिया, ब्रह्मचारी बने और जबरदस्त साधना की। इसके बाद उनका पूरा जीवन राजनीतिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया का मिलन करवाने के लिए समर्पित था। ये बातें कभी बताई नहीं जाती कि भारत के उत्तरी मैदानों में उन्होंने 1000 से ज्यादा आश्रम बनाए, क्योंकि वो चाहते थे कि आध्यात्मिक प्रक्रिया एक अलग चीज ना रहे बल्कि जीवन का ही एक हिस्सा बन जाए, जैसे हम जीते हैं। यानी हमारा ध्यान करना उतना ही जरूरी है जितना हमारा सुबह ब्रश करना। वो चाहते थे कि आध्यात्मिक प्रक्रिया एक दिखावटी चीज ना हो बल्कि जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाए, खास तौर से देश के उन सारे राजाओं के लिए जो तब अखंड भारत का एक हिस्सा होते थे। तो उन्होंने पूरी तरह से समर्पित और प्रतिबद्ध जीवन जिया। अरे आम तौर पर लोग सोचते हैं कि उन्होंने बस मक्खन खाया, बांसुरी बजाई और लड़कियों के साथ नाचे। नहीं, उनका जीवन ऐसा नहीं था।